Welcome to the next session of accounts. In this session, we will be completing our further total. In previous session, we have completed till schedule number 2. Now, we'll proceed further to schedule number 3. Now, see, we have in schedule number 3, 4,44,000. Wo kaise tha? 40 lakhs and 4 lakhs. Clear to it? That went 44 lakhs. Main fir se aapko dikhati hu 44 lakhs kaise bana tha. ये जो है हमारा करंट अकाउंट का टोटल है 40 लाख्स और हमारा जो कॉन्टिंजेंट अकाउंट है दैट इज 4 लाख्स इट वेंट ऑफ टू 44 लाख्स देखो 44 लाख्स क्लियर टू इट देन वी हैव 65 लाख्स दैट इज सेविंग डिपॉजिट देन टर्म डिपॉजिट को ही फिक्स डिपॉजिट बोलते हैं हमारे क्वेश्चन में फिक्स डिपॉजिट दिया था 25 लाख्स का टेक द टोटल ऑन योर कैलसी दैट इज 44 लाख्स 65 लाख्स एंड 25 लाख्स द टोटल विल बी 1,34,00,000 देन टेक द टोटल देन वी मूव टू द टोटल ऑफ शेड्यूल नंबर 4 शेड्यूल नंबर 4 में सिर्फ 4 लाख्स था तो टोटल भी 4 लाख्स होगा Then we have schedule number 5. Okay, schedule number 5 में क्या क्या था bills payable था inter office adjustment मतलब ही branch adjustment जो देखो यहाँ पर है branch adjustment अगर branch adjustment debit में दिया होता तो वो अपनी asset होती and it would have been in schedule number 11. लेकिन वो हमें दिया है 74,000 on the credit side that means it's our liability and it will go into schedule number 5. क्लियर टू इट ओके अगर ब्रांच एडजस्टमेंट डेबिट में दिया है ट्रायल बैलेंस के तो वो अपनी एसेट है अगर क्रेडिट में दिया है तो वो शेड्यूल नंबर 5 में दैट मीन्स इट्स अ लाइबिलिटी बिल्स पेएबल है इंटर ऑफिस एडजस्टमेंट मीन्स ब्रांच एडजस्टमेंट देन वी हैव अनक्लेम डिविडेंड एंड वी हैव प्रोविजन फॉर टैक्सेशन टेक द टोटल 2,74,000 25,000 3,91,000 द टोटल विल कम टू 6,90,000 then we have schedule number 6 cash and balance with RBI in that cash in hand was 1,50,000 and balance with the reserve bank was 2 lakhs the total went to 3,50,000 take the total of schedule number 7 1,50,000 1,50,000 schedule number 8 that is investment मनी एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस कैश क्रेडिट जो है सॉरी शेड्यूल नंबर 8 इज इन्वेस्टमेंट दैट इज 5,75,000 एंड दे हैव बाइफर्केटेड द 5 लाख्स अमाउंट व्हाट दे हैव गिवन अस तो यू कैन राइट इट बाइफर्केटेड वे ऑल्सो और यू कैन राइट इट इन अ क्लब्ड फॉर्म टू ठीक है 5,75,000 प्लस 5 लाख्स विल गिव यू 10,75,000 देन वी हैव शेड्यूल नंबर नाइन टोटल टेक द टोटल 15 लाख्स एंड 1,45,00,000 अब ये 1,45,00,000 कैसे आया है आई हैव शोड यू द टोटल सी 50 लाख्स 80 लाख्स 7,50,000 7,70,000 का आप एडिशन करोगे तो द अमाउंट वॉट यू विल बी गेटिंग इज 1,01,30,00,000 एंड वेन यू एड 1,30,00,000 इन टू प्लस 15 लाख्स दैट विल गिव यू 1,45,20,000 And this 20,000 is nothing but RDD. RDD, provisions for doubtful debt. One adjustment we less from schedule number 9. And second adjustment what we do is we add up. We take into P&L. That is into profit and loss account P&C schedule. Take the total of this. 15 lakhs and 1,45,00,000. That will be 1,60,00,000 then we have schedule number 10 this is nothing take the total 1,60,000 then we have Then we have is schedule number 10 that is fixed asset. Usme first kya hai? Depreciation. Kiska hai? Premises ka hai. 6 lakhs. Then we have furniture. 6 lakhs.
Then we have schedule number 11. Interest accrued on investment is 15,000. Take the total, that is 15,000. Contingent liability, that is partly paid shares के ऊपर 2 lakh से जो हमारे adjustment में दी गई थी, और acceptance, endorsement and other obligation was 22 lakhs. Total will be 24 lakhs. Cleared? Okay. Now we don't have schedule number 13, we don't have schedule number 14, schedule number 15 भी नहीं है, schedule number 16 भी नहीं है. अभी हमें क्या करना है, ये total उठानी है और हमारे balance sheet में हमें put in करना है. चलो, balance sheet का format है हमारे पास in the books of जनता बैंक लिमिटेड जमर. बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2016. व्हाट दे हैव गिवन अस इन द क्वेश्चन, वही हमें यहाँ पर लिखना है. हमें फोर कॉलम्स बनाने हैं, दैट इज जिसमें हम हमारे पर्टिकुलर्स लिखे. देन वी हैव शेड्यूल नंबर्स, देन वी हैव करंट ईयर्स डेट एंड वी हैव प्रीवियस ईयर्स डेट. करंट ईयर का डेट जो है 31 मार्च 2016, जो हमारे बैलेंस शीट की डेट होंगी 31 मार्च 2016, वो हम यहाँ पर लिखेंगे. एंड प्रीवियस ईयर क्या होगा, 31 मार्च 2015. लाइकवाइज वी हैव टू मेंशन द शेड्यूल्स एंड वी हैव टू राइट द नेम्स ऑफ द शेड्यूल. जैसे शेड्यूल नंबर 1 जो कैपिटल है, शेड्यूल नंबर 2 रिजर्व्स एंड सरप्लस है, शेड्यूल नंबर 3 डिपॉजिट्स है, शेड्यूल नंबर 4 बोरोविंग्स है, शेड्यूल नंबर 5 अदर लाइबिलिटीज एंड प्रोविजन्स है. एंड देन वी नीड टू राइट अप द टोटल्स जो हमने यहाँ पर की है हमारे प्रॉब्लम्स में. शेड्यूल नंबर 1 की टोटल जो है दैट इज 25 लाख्स, शेड्यूल नंबर 2 टोटल इज 14 लाख्स, शेड्यूल नंबर 3 टोटल इज 1,34,000, शेड्यूल नंबर 4 टोटल इज 4 लाख्स, शेड्यूल नंबर 5 टोटल इज 6,90,000. ये मैं कहाँ से बोल रही हूँ आपको, ये सब टोटल्स हमने यहाँ से उठाई है. ये टोटल इज 2,25,00,000, दिस टोटल इज 14 लाख्स, दिस टोटल इज 1,34,00,000, देन शेड्यूल नंबर 4 टोटल इज 4 लाख्स, एंड शेड्यूल नंबर 5 टोटल इज वॉट वी हैव टेकन हियर, दैट इज 4,06,90,000. क्लियर? टेक द टोटल, दैट इज 1,83,98,000. यही टोटल हमारे एसेट्स की टोटल से मैच होनी चाहिए. चलो, टेक द टोटल ऑफ योर एसेट्स जो हमारे शेड्यूल नंबर 6 के टोटल्स हैं, दैट इज शेड्यूल नंबर 6 का फर्स्ट टोटल क्या है, शेड्यूल नंबर 6 का फर्स्ट टोटल क्या है, 3,50,000. सो शेड्यूल नंबर 6 का फर्स्ट टोटल है 3,60,000. देन वी हैव शेड्यूल नंबर 7 टोटल 1,50,000, शेड्यूल नंबर 7 1,50,000, शेड्यूल नंबर 8 टोटल इज 10,75,000. देन वी हैव शेड्यूल नंबर 9 टोटल 1,60,00,000, 1,60,00,000. देन शेड्यूल नंबर 10 टोटल वी हैव इज 8 लाख्स, एंड शेड्यूल नंबर 11 टोटल वी हैव इज 15,000. 8 लाख्स एंड 15,000. टेक द टोटल ऑफ ऑल, दैट इज 1,83,90,000. एंड शेड्यूल नंबर 12 टोटल वी डोंट हैव टू टेक इन टू कंसिडरेशन, दैट इज 24 लाख्स. एंड शेड्यूल बैलेंस बिल फॉर कलेक्शन जो मैंने आपको बताया था एडजस्टमेंट में है, हमने लिखा नहीं है कहीं पर भी, क्योंकि उसको हम बैलेंस शीट के फॉर्मेट में लिखते हैं बट कहीं पर भी उसको ऐड नहीं करते. दैट इज बिल फॉर कलेक्शन 15 लाख्स, बिल फॉर कलेक्शन 15 लाख्स. दिस टोटल of asset and this total of your liability has to be tallied up, and see it is getting tallied. Clear to it? Okay. We have completed with the problem. In next video, I will be dealing with the next problem. Thank you all. Thank you.